बाहर जाएगी साड़ी पहन के जाएगी। तो मोहल्ले में हमारी शादी है। तुम्हें वो राजस्थानी बहू आए 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 सोड़ी नहीं मुँह छुपा लो पहले। Here we go again। पिछड़ो बहुत बहुत खतरनाक होता है। हाय। मंदिर बनाने चप्पल चोर पहले आ गए। आस्था चलो। क्या यार पूरा सांप लग रहा है। एनाकोंडा एनाकोंडा ऊपर देखना थोड़ा सा। नहीं देखता। जो देखे कुछ और ही शेप ले चुकी है। कितनी सुंदर लग रही है। फ्लावर बन चुका है इसका। और मैंने सुना है कि फ्लावर बनना अच्छा होता है। तो चैलेंज करने के बाद अब कपड़ों की कमी किसको महसूस हो रही है और कौन किसके कमरे में आके कपड़े ढूंढ रहा है, हैं? मेरा चैलेंज किया मैं पहनूंगी कपड़े। वही बोल रही हूँ ना, बाहर जाएगी साड़ी पहन के जाएगी। साड़ी लेके बैठ गई है। क्या दूँ मैं, क्या दूँ, ले ले जो लेना सब तेरा। व्हाइट पेन पहन ले। तो मोहल्ले में हमारी शादी है और उन्होंने हमको भी बुलाया। हमको बुलाया ना इस बार? हाँ बुलाया था। ये अभी शादी है, दिवाली के ढोल बज रही है। राजस्थानी बहू। राजस्थानी लोग यहाँ तो घूंघट लेते ना। हाँ तो मेरी नई नई शादी हुई है, ठीक है, नीचे ये नहीं पहनते। तो अब मैं आपको पानी पी के दिखाती हूँ। एक राजस्थानी बहू कैसे पानी पिएगी। आए आए फिल्टर हो गया। आए 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 क्यों इतना भी उसको हक नहीं है कि वो पानी सही ढंग से पी सके। नहीं मड़िए मेरी लगना की मैं नहीं बचता हूँ। क्या क्या हुआ? मेरी लगना मेरी पेट की बीमारी हुई। नहीं मेरी लगना कुछ पैन मेरी लगना बाद में कर। विल पावर स्ट्रॉन्ग करो। या मैं बात कर रही हूँ यार, हो सकता है वैसे। ये पानी क्या थोड़ी नहीं रोशनी बड़ी तेज है। रोशनी से क्या कर रहे हो? मुझे याद है आता ही मेरे को भी कौन सा आता है। ऐसे ऐसे हाथी धुला में उंगली लाओ खाली ऐसे। मुझे कोई मुझे प्यार नहीं करता है। हो गया गा हो गया डेली व्लॉग बड़ा मुश्किल है। मैं सोच नहीं है मेरी जान मौत नहीं आनी मेरी मौत नहीं आनी। आपको डेली रिकॉर्डिंग मजाक लगता है? मैं रिकॉर्डिंग कर छोड़ा मेरा कैमरा पकड़ के डैडी सारी डैडी सारी जो कुछ पूरा रिकॉर्डिंग करने रोक। क्या होना मेरी लाइफ में तो कुछ नहीं होना पे। मेरा पूरा दिन यार आपको पता मैं पूरा दिन बेड पे ही पड़ी रहती हूँ। खाली ब्लॉग बनाने के लिए उठती हूँ। मैं एक दिन छोड़ के ब्लॉग करने लगी यार। तो मैं दवाई खा रही हूँ। ये दवाई दही में डाल के खाते हैं। होपफुली ठीक हो जाऊंगी मैं इससे। तो बड़ी मुश्किल से मम्मा को मनाया कि मेरे को मालिश कर दो तेल से। नाना उतरी मुश्किल नहीं लगी। मैंने देखा पूरा सीन। अब भी बोला ना सुबह से बोल रही हूँ फुलके बना लूँ ये कर लूँ वो कर लूँ। अब तो फिर मैंने जबरदस्ती बोला ना कि करो 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 ये करो। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। अभी उठाए लड़का दिन के 2 बजे। 2 बजे रहे दिन के ऐसी की बात नहीं है। 129 हो रहे दोस्तों। क्या लगता है आपको क्या होने वाला है सेमीफाइनल में? फर्क दिख रहा है मैं सुबह 7 बजे उठती हूँ। तो दोस्तों हम काम भी कर रहे थे रात को। कौन सा काम कर रहा है तू? वीडियो देखता है GTA की बैठ के? ट्यूटोरियल देख रहा हूँ मैं आजकल। तो दोस्तों क्या लगता है आपको क्या होने वाला है सेमीफाइनल में? डर लग रहा है यार। डर का माहौल है। डर का माहौल क्यों है? कॉन्फिडेंस का माहौल है। इंडिया जीतेगा। साफ कौन है? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड हो मुँह छुपा लो पहले। अरे नहीं न्यूजीलैंड नहीं पर इंडिया जीतेगा ऑब्वियसली। ऑब्वियसली यार जीतेगा जीतेगा। ऑस्ट्रेलिया तो नहीं आता है ना रोहित शर्मा और विराट कोहली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हार्दिक पांड्या और पता नहीं क्या हार्दिक पांड्या है ना? नहीं नहीं है। हार्दिक पांड्या नहीं है टीम में। मोच लग गई उसके पैर। और कौन कौन है टीम में? पक्कू पक्कू। एक ग्रैनी का फर्ज होता है कि रोज अपनी बेटी को तेल की मालिश करे। ट्रेनिंग लो मेरे अंडर। तू ग्रैनी बन चुकी है? बन चुकी हूँ मैं। देख सकते हैं आप हमने एक भी पटाखा नहीं फटाया। चोमू का इकलौता दुश्मन वैक्यूम क्लीनर। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। चलो नीचे चलो नीचे चलो। तेरे को लड़ना भी है तेरे को डरना भी है चल नीचे। हाँ क्या पूछ रहे थे आप अभी? मैं पूछ रही थी कि बीला जल का स्वाद कैसा होता है? इसका स्वाद होता है जैसे वो चमनप्राश होता है ना वैसा नहीं होता। चमनप्राश की नजायज गंदी बिगड़ी औलाद। इसका मतलब बड़ा ही है। ये खा के देखो। अब खा के देखो आपको क्या एक्सपीरियंस होता है। इसको फ्रूट ही होता है बेल फ्रूट होता है। देखते हैं एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। वाओ इतना सही है। सही लगा? नखरा खा खा के अक गई हूँ मैं। तेरी कसम बहुत अच्छा है। अच्छा रोज खाओ ना फिर सुबह शाम दिन रात। फिर पूछूंगी आपको नजायज औलाद लगती है कि नहीं। गर्म पानी पियो सुबह उठ के 3 ग्लास कोई बीमारी नहीं लगेगी। ठीक है डन। इशू को नहीं बोल रही मैं आप सब लोगों को। इशू को क्यों? इशू को बीमारी लगी है इसलिए। मोशन लगे ना इसलिए मैंने बोला कि पानी बहुत ज्यादा भी नहीं पीना चाहिए। लेकिन सुबह का पानी जो है 3 ग्लास जिंदगी में कोई बीमारी नहीं लगेगी। Here we go again. Psychiatrist के पास। Here we go again. Oh, shit. आ जाओ आज मम्मा को नहीं लेके जाती। मम्मा ने पिछली बार
मम्मा ने पिछली बार साइकेट्रिस्ट और मेरे को और एक लड़की को तीनों को डिप्रेशन में डाल दिया था क्योंकि मैं बिल्कुल ऐसी हो गई थी, तो इसलिए मम्मा भी ऐसे हो गए थे थोड़े। तो आज मैं राघव को लेके जाऊंगी, बाइक पे जाएंगे और यहाँ पे चाय पार्टी चल रही है। देखें चाय पी लो फ्रेंड। और मैंने चाय बिल्कुल छोड़ दी है। देसी चाय पी मैंने। मैंने चाय बिल्कुल छोड़ दी है, बिल्कुल छोड़ दी है। मैंने आज देसी। आप बताओ मैंने चाय पी? कल एक रील भेजी ना, देखी इतने दिनों में मैंने चाय पी इतना बताओ? नहीं बिल्कुल नहीं पी। देखो अच्छा जी, ये क्या तैयारी हो रही है सेक्रेटरी के पास जाने की? अच्छा नेल पॉलिश बिल्कुल ऐसे करके ना रोते रोते बोलना मेरा नेल कलर कैसा लगा? मुक्का पड़ेगा आगे से। सेशन के लिए न्यू नेल पॉलिश करा दिला दे। और ये कौन है? ये मेरा बेटा है। मेरे को तो दिखा भी नहीं देता। तू तो लोगों का डिप्रेशन दूर करती है, तेरे को साइकेट्रिस्ट की क्या जरूरत है? ट्रू। मैंने इसके लिए गिफ्ट लाया और ये उसको जला रही है, शर्म नहीं आती इसको। छह साल हो गए इसके। अरे ये क्या रहा है? चूं तो बिछड़ जा, तू भी जल जाएगा साथ। वाओ सो ब्यूटीफुल। अरे मजा नहीं आया क्या राजी यार? ये क्या तू बम भी नहीं आया यार? कोई औकात नहीं है तेरी, दे मेरे को। वैसे करके चलेगा, मजा नहीं आ रहा। बस मुश्किल आ रही है, छोड़ रहे हैं। जल गया, जल गया। इस तरह का आस पूस में आग लगती है। ओ माय गॉड इशू, व्हाट इज दिस चुमू? बात है मेरा तो है, पानी पानी के नीचे जाकर वो बिल्कुल काला कोयले जैसे हो गया एकदम, तेरे दिल की तरह। वाह ओ रोस्टेड। डॉक्टर को दिखा दिया है, मेडिसिन ले ली है एक हफ्ते की। मैं दांत कितने पीले यार, एक हफ्ते के बाद सेशन भी होगा। ब्रश किया करूँगा कुछ? करती हूँ ब्रश, तेज नहीं हफ्ता पूरा ब्रश नहीं किया। मैं करता तो हूँ। हाँ, करता तो हूँ हफ्ते बाद। हाय पप्पू। हाय। हाय। इतना शॉक्ड लग रहा है आपको देख के। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। फोटो घर के बाहर आने के बाद राघव बोल रहा है कॉलेज वाली साइड चले, आपको चलानी है? मैं बोल रहा था ना कि कॉलेज वाली साइड से चलते हैं, फिर वहाँ से आप भैंस चला के ले आते। आपने बोला घर चलो। हाईवे पे ही देता। हेलो जी कैसे हो? बात तो कर ले। क्या बात करूं बगैर तो से पूरे 2 साल लगा के आए आज आप। अरे 2 घंटे भी नहीं लगे अभी। भूख लगी है गाना दो, भूख लगी है गाना दो। जल्दी दे खाना बगैर। देखो गाइस ये घी खाई है, इसको कोलेस्ट्रॉल है। इतने सालों से घी नहीं खाया, थोड़ा पहली बार खा लूं। हाय पहली बार मुक्का ना खाया मेरे को। नहीं खाया मैंने घी इतने टाइम से। चल फोन लेके पीछे मेरे। पागल तो नहीं है? जो बोलूंगी वही करेगी। रोशनी दीदी आ गई और चूं बैठ गया रोशनी दीदी की जिंदगी में अंधेरा करने के लिए। अरे 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 लेने यहाँ पे काम चल रहा है हमारा डेडली। बड़े खुश हो रहे हो कैमरा देख। रोते रोते आने वाले थे। रोते रोते क्यों? मैं गई थी मार खा के आई हो इसलिए। फिर ऐसे बहुत ज्यादा बातें करके थक गई। रोने क्यों वाले थे? राजी के आगे ऐसे बहाना बनाने लगी थी कि राजी मुझे कुछ बोले नहीं। राजी को अकेले छोड़ के गई थी इसलिए राजी रोएगी बोलेगी मम्मा अकेले। चोमू था ना? चोमू नहीं है? चोमू को तो पता नहीं ये एग्जिस्ट ही नहीं। माइंडिंग हिज ओन बिजनेस। एग्जिस्ट ही नहीं करता चोमू इनके लिए। नहीं नहीं चोमू तो है क्यों नहीं। क्या खाएगी? राजमा चावल थोड़े से गर्म करो खाएगी। अच्छा क्या कुछ हुआ? सचिन थेरेपी। सचिन थेरेपी क्या हुआ? नहीं खाती कुछ कैसा लगा मेरा मजाक? बहुत अच्छा लगा। खा चुकी है ये। देखिए कैसी, मैं कहती हूँ इतनी ड्रामेबाज लड़कियाँ नहीं है जिसका कोई हिसाब नहीं है। देखो अभी भी देखो ये ड्रामेबाज ड्रामे ये भी मारते हैं ब्लॉग में। एक्टिंग मारती थोड़ी ऐसे करते। नहीं नहीं मैंने कोई एक्टिंग नहीं मारी। मैं गॉड ये गॉड ये तो कहती हूँ ये तो कहती हूँ नई नई चीजें सीखनी पड़ती है ब्लॉग के लिए। ब्लॉग के लिए देखो मैं तो ब्लॉग के लिए कुछ नहीं सीखती। नहीं मैं ऐसे जस्ट किडिंग। नेचुरल ब्लॉगर ना। जस्ट किडिंग नेचुरल ब्लॉगर। एंड यू नेचुरल इज बेशरम। कर दी। तो मैं बाहर गई थी, मम्मा ने कोको का क्या बना दिया। नाइस अच्छे क्यूट लग रहे हो। सब फोन में लगे हुए सिवाय चोमू के। ये बड़ा अच्छा लड़के हैं। चलो किसको पोटी आई है करा के लाता हूँ। जरा कुत्ते को पोटी आई है ना। जरा चोमू कराएगा रास्ते में करूंगा। हाँ रास्ते में भी तो और कहाँ करेगा। हाँ रखवाली करेगा। जाओ उसको पोटी आई है राघो। अरे ये क्या बोलती है मेरे को थोड़ी आई है सच थोड़ी बताना है। तो ये इस दीदी के लिए पार्सल है। उन्होंने गिफ्ट भेजा होगा ना हैदराबाद वालों ने। कुछ भी मत बोला कर दे इसको। अरे कुछ भी बोल देना चाहिए। हाँ पक्का पक्का। आराम से आराम से आराम से। ओपर एफएक्स से आया। अच्छा जी थैंक यू। ओपर एफएक्स मेरी टीम है, मैनेजिंग टीम। हमारी मैनेजमेंट टीम जो हम इस्तेमालते हैं। पहले ये देखते हैं पानी है शायद पीने वाला। अरे महंगे वाला पानी प्राइम लोगन पॉल के सही का ब्रांड। वाओ दिखाना मुझे, मैं भी टेस्ट करूँ। कैसे पहले फोटो खींचूंगी ना इसका। क्यों भेजा किस खुशी में? दिवाली 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 ओह मुझे दिवाली में गिफ्ट मिलता है। थैंक यू सो मच।
मंदिर बना लिया, चप्पल चोर पहले आ गए पीने के लिए। मुझे भी चखाओ। कैसा है? 800 का है, 800 का ये। और बचपन में जो टॉफी नहीं खाते, जस्ट जल्दी वाली पूरी वही है। और आई कांट बिलीव, राजू बोलती है वॉच है, मैंने बोला है कैसी हो वॉच का, कैसी हो वॉच का ब्रांड है, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या भेजा। मेरे को लगा कैसे कोई चॉकलेट वॉकलेट होगा बीच में। आस्था Vintage. 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 ये तो एस्थेटिक वॉच बेची उन्होंने। वाह यार, कितना सोचते हैं। कैसियो की सबसे पुरानी वॉच ऐसी ही होती थी। हमारे बचपन की वॉच, हम बचपन में यही पहनते थे सच्ची। इसमें नट्स है। वाह, क्रैनबेरी आलमंड रेजिन्स। रेजिन में खा सकता हूँ, क्रैनबेरी खा सकता हूँ बस, बाकी एलर्जी है। तेरे को दिया किसने? तेरे को दिया ही नहीं मैंने। मेरा पुत्र सारी बातें करते रहते हैं। चलो प्रसाद दो। नहीं तो खान दे। ओ भूखिया की मिली है कुछ वे। भूखों के घर आया है पर। एक दाना ना गिरने पाए नीचे। कैसा है? क्रैनबेरी एटम बम जैसा। एटम बम, पूरा एटम बम। भूखी मैं कैसे निकालते हैं जैसे कि मेरे खत्म होने लगा। बस बाकी बाल में खाऊंगी, बाकी सब मैं बाल में खाऊंगी। हमें भी दे दे कुछ। पढ़ने तो दो यार, मैं भी देखूंगी तू पिएगी। सड़ेगा तेरे कमरे में। बाय। तो बस जम्मू कैसे चाहिए होती है मालिश है रोज, यहाँ पे कराएगा थोड़ी देर बाद पीछे हो जाएगा, थोड़ी आगे हो जाएगा, खुद मुंह करेगा, मेरा हाथ यहीं भी रहेगा। बड़ा शर्मिंदा बच्चा है ये, मेरा बहुत शर्मिंदा बच्चा है। खुद अपने हिसाब से मुंह करता है ये। ये वो सुंदर बच्चा है मेरा, मम्मा का लड्डू है, लड्डू लड्डू है, बहुत सुंदर है। क्या वन पीस बनाया भगवान ने, वन पीस, ओनली वन पीस, पूरी दुनिया में एक ही पीस बनाया। घंटा हो गया और एक कुत्ता अभी तक मुझसे मालिश करवा रहा है। बस करो सर, थोड़ा तरस खा लो मुझे। मैं एक वीडियो देख के इसमें लिखा है 8 वेज टू बिकम समथिंग डैश, ठीक है, समथिंग डैश। वो बताना तू लग रही हूँ कितनी डैश, ठीक है। हाय ईशु, क्या हाल है? हाय, मैं ठीक हूँ, आप कैसे? मैं भी ठीक हूँ। क्या कर रहे हो आजकल? कुछ नहीं, बस ब्लॉगिंग कर रही हूँ। अच्छा, कहाँ पे रहते हो? मैं जम्मू में रहती हूँ। घर पे रहते हो? घर भी करते हो ब्लॉगिंग? गुड यार, थैंक यू। और बस आप बताओ? बस यार चिल, मस्त। तू मुझे इग्नोर मार रही है। वीडियो देख के आई हूँ, 8 साइंस टू बिकम डेंजरस। डेंजरस लग रही थी। अच्छे से करो ना। देखो जी रघु, वीडियो में तू पूरे बार बार आगे 12 मंदे बताएगा कि कौन है वीडियो में, मुक्का मार के तेरा मुंह ना। सारे अच्छे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इशदी जी ने मुझे कहा है कि कभी भी तू फोन उठा के कभी भी कुछ भी क्लिप बना दे। मेरी फोन चार्जिंग पे लगा के आई थी। अच्छा, कभी भी कुछ भी क्लिप बना दे तो इसी उसको किसी न किसी तरह किसी न किसी ब्लॉग में एडजस्ट कर लेंगे तो ब्लॉग भी बन जाएगा। मैंने इसके लिए राजू के लिए थी, राजेश में जीव होते होंगे, जीव होते होंगे। मत मेरे को ब्लॉग ही नहीं कर रहे, मुझे कोई बोलने ही नहीं दे रहा, कोई बोलने ही नहीं दे रहा मेरे को कुछ। कोई इसके ऊपर चिंटियाँ चल रही, मतलब मेरे को नहीं कोई बोलने देना। ये देख रहा है कौन सा माल जला है। गाइस घर पे ऐसे बनते हैं। यू लुक क्यूट बट अवर यू डू यू नो। थैंक्स बेब। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। पूरी आने तली मर्दियां ने गट हत्या करता ने आ गया। मैं दिक्कत आ रही हूँ, मेरे को ला रही हूँ, लाऊंगी क्या कर लेंगे यार, भूख लगी। लाओ क्या ही कर लोगे क्या। चल बस करना, क्या कंटेंट नहीं हो रहा मेरे साथ।